अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर आए हैं वाइट रैबिट की आइसक्रीम खाने के लिए, तो फिर चलें। किसी की भी कोई जब पार्टी हो या कोई इवेंट हो या पार्क वगैरह में गैदरिंग हो तो ये कंपनी की तरफ से ये ट्रक आती है, तो वो लोग बुक कराते हैं, फिर आते हैं ये लोग सर्व करते हैं आइसक्रीम, फिर उस हिसाब से ये लोग चार्ज करते हैं। तो चलें, आज हमें भी दावत है, हम लोग भी इन्वाइटेड हैं यहाँ पर, तो चले चलते हैं। मैं आपको सब दिखाती हूँ कि किस तरीके से ये जो है वो ट्रक आती है आइसक्रीम सबको। ये भी एक किस्म की आइसक्रीम है जो कि दो कुकीज़ के बीच में है, तो समझो कि एक सैंडविच की तरह दो कुकी और उसके बीच में आइसक्रीम है, ठीक है ना। तो ये भी एक किस्म है आइसक्रीम का। तो जब ये ट्रक वाले आते हैं तो ये भी लेके आते हैं साथ में सर्व करने के लिए। वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं सिराज बात कर रही हूँ। कौन कहता है कि कनाडा में सिर्फ सर्दियाँ बहुत होती हैं? सर्दियाँ बहुत होती हैं, लेकिन देखें ये खूबसूरत समर का जिसमें लोग आइसक्रीम खा रहे हैं इतने अच्छे वेदर में। आप देखें कि इतनी अच्छी धूप है और इतना अच्छा मौसम है कि सब लोग जमा हुए हैं आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम ट्रक आई हुई है जो कि सबको आइसक्रीम खिलाने के लिए। और यहाँ पर ये बच्चों की टैटू रखी हुई हैं, वो जो आर्टिफिशियल टैटूज होते हैं बच्चों की, समझो कि एक्टिविटीज़ है, टैटू बैठी हुई है सबको बनाने के लिए, तो बच्चे लाइन में खड़े हुए हैं टैटू लगाने के लिए। क्योंकि जो समर के जो 4-5 महीने होते हैं उसमें लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं समर में, यानी कि अलग अलग डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, मेले होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं। अभी नेक्स्ट वीक उसका हेरिटेज फेस्टिवल होने वाला है, तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो निकाल के मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो देखें ये पूरी लिस्ट है इनकी आइसक्रीम की, वाइट रैबिट की जो है इनकी कंपनी का नाम आइसक्रीम का, तो इनकी पूरी लिस्ट है। अभी देखते हैं कि हम कौन कौन सी आइसक्रीम लेते हैं। मुझे तो वैसे भी चॉकलेट आइसक्रीम बिल्कुल भी मतलब नहीं पसंद है, चॉकलेट फिर भी खा लेती हूँ अच्छा लगता है, लेकिन चॉकलेट आइसक्रीम आई डोंट लाइक। तो फिर देखते हैं कि कौन कौन सी आइसक्रीम में कौन सी लेते हैं आगे चलकर जब हमारा टर्न आता है। तो क्योंकि ये हमारी मेरे हस्बैंड की जो ऑफिस की तरफ से हम लोगों को इनविटेशन थी, तो हमें टिकट्स उन्होंने दिए थे कि भाई जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके हैं तो सबके टिकट्स थे, तो जब सब आइसक्रीम जब आके खाने जाएंगे तो हर कोई अपना वो देगा, टोकन देगा जो उनको हमें मिले हुए थे, तो फिर सब अपने आइसक्रीम जो है वो पसंद बता दे जाएंगे कि भाई कौन कौन सी आइसक्रीम चाहिए, तो उस हिसाब से वो जो अंदर है वो बना के दे के जा रही है सबको। तो मेरे बच्चों ने तो सबने तकरीबन चॉकलेट ही आइसक्रीम ली, लेकिन मुझे जैसा कि चॉकलेट आइसक्रीम का फ्लेवर नहीं पसंद है, तो मैंने फिर वनीला आइसक्रीम ली जो कि मैं आपसे शेयर करूँगी जब मुझे मिलेगी तो अपनी आइसक्रीम। जब मैंने पूरी लिस्ट देखी आइसक्रीम की जो कि देखी दी हुई है, तो मैंने अंदाज़ा किया कि सिर्फ वनीला चॉकलेट ब्राउनी जो कि मुझे इस लिस्ट में अच्छी लगती है। वाह, ये मेरी बेटी ने ली है, देखें ये मेरी भी आइसक्रीम आ गई, देखें वनीला। थैंक यू। स्किन में ऐसी चीज़ है जो कभी कभी खाना तो ठीक है, लेकिन रोज़ाना उसको खाना बिल्कुल भी हेल्थ के लिए सही नहीं है, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ। या आप देख सकते हैं कि देखिए लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे जो है वो खेल रहे हैं, आइसक्रीम जिन्होंने खा ली है वो उसके बाद ये देखें बच्चों के लिए उन्होंने झूले वगैरह भी रखे हैं। और क्योंकि ये पार्क में है प्रोग्राम, तो हर पार्क में जो पार्क में है ऐसा होता है कि झूले और स्लाइड्स बच्चों की और बच्चों के एंजॉय करने के लिए चीज़ें होती हैं, ताकि जो फैमिली के साथ बच्चे आते हैं वो यहाँ पर एंजॉय कर सकें। तो उन्होंने टैटू रखे हुए हैं और उन्होंने बलून रखे हुए हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं ताकि बच्चे जो है वो इंजॉय कर सकें। तो आप देखें ना कि समर में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि जो 4-5 महीने समर होता है उसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे हस्बैंड की ऑफिस की तरफ से ये थी, तो ये इनका देखो ये रियल्टर्स का जो एसोसिएशन का जो है, क्योंकि उनकी तरफ से ये आइसक्रीम की थी इनविटेशन सबको, वो उनकी फैमिलीज़ को जो कि उनके ऑफिस में
और सॉरी मैं ये बताना भूल गई कि विंटर में भी इंडोर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती, बाहर नहीं होती हैं, लेकिन इंडोर बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। ये सर सिर्फ मुझे आपको बताना था कि ऐसा नहीं कि समर में एक्टिविटीज़ होती हैं और विंटर में नहीं होती हैं। विंटर में भी बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन वो अंदर होती हैं, बाहर नहीं होती हैं, ओपन हवा में नहीं होती हैं। और ये वाली आइसक्रीम जो है वो दो कुकीज़ बनी हुई है, उसके कुकीज़ के बीच में आइसक्रीम है, तो ये समझो कि एक सैंडविच है आइसक्रीम का दो कुकी के बीच में। तो तकरीबन एक डेढ़ घंटा थे यहाँ पर, आइसक्रीम वगैरह खाई और मज़ा आया, बच्चों ने इंजॉय किया बहुत। तो बस अभी वापस जा रहे हैं घर पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चला होगा कि देखो समर यहाँ के इतने मज़ेदार समर होते हैं। विंटर अगर सर्दी होती है तो समर वाली समर फिर इतने अच्छे होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बाहर निकलते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, मेले होते हैं। देखिए मेरी सब वीडियोस वो होती हैं, सब हमें मुझे मैसेजेस करते हैं कि आप कनाडा के बारे में बताया करें। तो आजकल मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ जो कि जिसमें आपको पता चले कि इस टाइप के फेस्टिवल होते हैं, इस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी वीडियो, उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और फैमिलीज में। तो स्पेशली वो लोग जो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, उनको पता चले कि वो उनको डराते हैं लोग कि ठंड होती है, सर्दी होती है, बस वेदर ऐसा ही होता है। तो उनको भी पता चले कि देखिए ठंड तो होती है लेकिन उसके फिर समर्स बहुत खूबसूरत होते हैं यहाँ के, ठीक है ना। तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।